अध्यक्ष महोदय और सभी अतिथिगण और डॉक्टर शुक्ला जी, राय साहब और संगठन के सभी आयोजकगण, ये मेरे लिए बहुत ही एक नम्र होने वाली बात है कि इस मंच पर आपके सामने दो शब्द बोलने का मुझे अवसर मिला है। हालांकि हमारा स्वच्छकार समाज बोलने में कम नहीं, हम में से यहाँ शायद ही कोई ऐसा हो जो एक दो घंटा ऐसे ही ना निकाल लेने की क्षमता रखता हो, और जितने पॉइंट्स यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो यहाँ आ चुकी हैं। मैं थोड़ा सा मैं एक तुलनात्मक दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो हमारा स्वच्छकार समाज है, जो हमारा पारितोषिक है, हमारे काम को तो लोग बोलते हैं ए सफाई वाला, ए इधर आ उधर आ, हमको बदतमीजी से बात करते हैं। मैं आपको एक घटना बताकर अपनी बात शुरू करूंगा। मेरे घर के सामने एक महिला झाड़ू लगाने आती है, मेरा बच्चा सुबह स्कूल जाता है, जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमारे घर के सामने झाड़ू लग चुकी होती है और थोड़ी बहुत लग रही होती है। मोहल्ले की जो औरत उसको देख जाती है वही डांटती है। एक दिन दो तीन महिलाओं ने उसको डांटा तो मैंने अपने गेट के अंदर बुला लिया। मैंने बोला बहन जी, आपको इन्होंने कभी 10 रुपए दिया क्या? बोले अरे भैया छोड़ो, ये कंगाल मुझे क्या देंगे। तो मैंने बोला आप कहाँ से आते हैं? बोली मैं रोहतक से आती हूँ, सुबह 3 बजे बिना चाय पिए अपने घर से निकलती हूँ, ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ आती हूँ, मैं पालम में रहता हूँ महावीर इंक्लेव में, यहाँ आकर मैं झाड़ू लगाकर जाती हूँ और सब मुझे गाली देते हैं सफाई करने की वजह से। तो उस दिन मैंने कहा मेरा घर आपका घर है, आपका स्वागत है, आप जब आएँ घंटी मारे आप अंदर आएँ। मैंने उसी समय उनको अंदर बुलाया और बच्चों से बोला ये जब आती हैं इनको चाय नाश्ता अच्छी तरह से सेवा करो जो किसी विशेष मेहमान का करते हैं। और मेरा घर अब उसके लिए, वो बहन के लिए घर है, वो जब भी मन करता है घंटी मारती बेटा चाय पीना है, आइए आंटी आइए, आकर हम बैठाते हैं, हमारे साथ बैठकर चाय पीती हैं और नाश्ता करती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है इस समाज के बलिदान को कोई नहीं देखता है, बलिदान को कोई भी नहीं देखता है, त्याग को कोई नहीं देखता है। जब सब सो रहे होते हैं तब स्वच्छकार समाज अपना बिस्तर छोड़ करके उनकी सेवा करता है, लेकिन उसका पारितोषिक देते समय सबको बड़ी पीड़ा होती है। मैं आपके सामने कुछ विदेशों की तुलना करूंगा। जैसे ही विदेश की बात आती है हमारे जहन में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों का नाम आता है। इन विकसित देशों में 1 घंटे की जो पगार है, 1 घंटे का एवरेज $10 है, जो कि 700 रुपए के आसपास होता है, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। लेकिन दुख की बात यह है हमारे भारतवर्ष में जो भी 1 घंटे का पारितोषिक है इस काम के लिए, उससे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, उससे ज्यादा चीन देता है। चीन पूरी दुनिया में मानवाधिकार हनन के लिए बदनाम है, उसके बावजूद स्वच्छकार समाज को इससे ज्यादा पारितोषिक देता है। उसके अलावा नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा हमारे देश से ज्यादा स्वच्छकारों को पारितोषिक देते हैं। अब कोई तो कहेगा पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, छोड़िए बात हो, लेकिन बात यह है हमारा देश, हमारे देश में 133 करोड़ लोग मिलकर के उस समाज को न्याय नहीं दे पाते हैं जो इस देश को साफ रखता है। हमारी आलोचना यह कहकर होती है ए सफाई कर्मचारी काम नहीं करते। मैंने मान लिया 1 मिनट के लिए, लेकिन भाई चलिए हम सब 2 दिन के लिए सो जाते हैं, दिल्ली का क्या हाल होगा? कभी ऐसा भी हुआ है जब स्वच्छकार समाज ने कहा है हम हड़ताल पर हैं? नेता, सरकारें, प्रशासन, सबकी असलियत खुल गई, कली खुल गई,
किसी के अगर स्वच्छकार समाज काम नहीं करता है तो ये शहर साफ कैसे है। मेरे घर में हम इंटरनेट का जो बिल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटरनेट का बिल देते हैं, आपका क्या मतलब स्वच्छकार समाज का क्या मतलब इंटरनेट के बिल, उसमें भी स्वच्छ भारत सेस कटता है। इंटरनेट के पेमेंट में भी स्वच्छ भारत सेस कटता है, उसका भी पैसा कटता है, आपको मिला कहां जाता है? जनता से सरकारें पूरा पैसा वसूलती है, जाता कहां है? प्रयोग, दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। जिन मशीन की हमारे भाई ने बात करी है, ये मशीनें बीसियों साल पहले हमारे देश में काम में आनी चाहिए थी। पूरी दुनिया में जहां पर भी जो विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, उन्होंने अपने स्वच्छकार समाज के लिए, वैसे स्वच्छकारों के लिए अलग से कोई समाज नहीं है, वही लोग हैं जो सफाई करते हैं, वही लोग हैं जो शाम को साथ में बैठते हैं, वो चाहे कोई भी काम करते हो, काम के आधार पर कोई समाज नहीं बटा है। पहली बात, विकासशील विकसित देशों में। फिर उनके लिए सारी ड्रेस और जो भी उपकरण है, दवाई, सब कुछ उपलब्ध है। हमारे देश में एक बहुत हाई क्लास इंश्योरेंस होना चाहिए, जो मेरा प्रपोजल है। हमारा बीमा कहाँ है? ये बहनें हमारी जो बैठी हैं, इनको लाभ नहीं मिलता अगर बीमा होता? बीमा कंपनियां इतना पैसा कमाती है, अगर स्वच्छकार समाज के लोगों को एक ऊंचा बीमा प्रदान किया जाए जिसका प्रीमियम भारत सरकार पे करे या सरकारें पे करे, तो उसमें ये कोई बहुत बड़ी मांग है क्या? अच्छा बीमा होना चाहिए, उपकरण होना चाहिए और मेडिकल हेल्प होना चाहिए, कार्ड होना चाहिए, हर जितने भी मेडिकल सुविधाएं सब मिलनी चाहिए। और दूसरे देशों में जो हमारा GDP है उसके रेशियो के अनुसार हमारी सैलरी होना चाहिए, हमारा पारदर्शी होना चाहिए। ये मेरा प्रपोजल है, मेरा राय है और मेरी इच्छा भी है। लेकिन कुछ भी किया जाए, मेरे विचार से कुछ भी किया जाए, स्वच्छकार समाज को आप चाहे कितना भी दे दें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है आदर, सम्मान और प्रेम की आवश्यकता है। आप टुकड़े दे दें, आप मशीनें दे दें, आप कपड़े दे दें, लेकिन बोले इधर नीचे बैठ उकड़ू, तो हमको हमारा हक नहीं मिला, हमारा सम्मान नहीं मिला। ये समाज किसी भी दूसरे समाज के साथ बाजू में बैठ करके साथ में चाय पीने के योग्यता रखता है, और जो सारे देश की गंदगी साफ करता है उसको अपने घरों में उसका स्वागत होना चाहिए और उनको समाज में अपने साथ लेकर चलना चाहिए। बहुत सारी बातें होती हैं आरक्षण के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब तक हमारे देश में गंदगी को साफ करने वाले व्यक्ति को गंदा और नीच सोचना बंद नहीं किया जाएगा, हमारा उस समय तक इंसाफ नहीं होगा। मैं छोटे शब्दों के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।